हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें साथियों, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स टाइम टू टाइम रेगुलर मिलते रहें। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नई नई अपडेट्स लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते रहते हैं। चूंकि हमारे चैनल के नाम में आप सभी को पता है कि राजस्थान वैकेंसी अपडेट अपडेट शब्द लास्ट में लगा हुआ है साथियों, और वैकेंसी अपडेट स्पेशल, तो आप सभी को पता पहले ही लग चुका है कि रोजाना नई नई अपडेट लेकर के आते रहते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में राजस्थान की एक वैकेंसी के बारे में नई अपडेट लेकर के हम आपके सामने फिर हाजिर है साथियों। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज उपेन यादव जी, शायद ऐसा पता था कि जो अशोक गहलोत जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनका आज रीट लेवल टू के रिशफल और वेटिंग जारी करने के लिए 5,681 पदों पर, तो इस संदर्भ में उनका आभार व्यक्त करने और रीट लेवल फर्स्ट एवं अन्य भर्ती जो लंबित पड़ी हुई है रीट, तो उनके परिणाम को जारी करवाने और कईयों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उनको दिलवाने के लिए आज मुख्यमंत्री महोदय से भी उस संदर्भ में भी वार्ता की। तो साथियों, मुख्यमंत्री महोदय ने उस संदर्भ में भी उपेन जी को आश्वस्त किया है कि जल्दी उन भर्तियों में भी ध्यान दिया जाएगा और लंबित पड़ी हुई भर्तियां या जिन भर्तियों की नियुक्तियां लंबित पड़ी हैं उनको भी यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा। तो साथियों, ये देखिए, आज जो उपेन यादव जी ने एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि उपेन यादव जी जब आज बात करने गए थे तो उन्होंने अपना एक ज्ञापन पहले ही तैयार कर लिया था, और ज्ञापन तैयार किया था तो उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है साथियों, हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अभी हम शुरू करते हैं। ये उपेन जी का जो ज्ञापन था ये आज साथियों, जो इन्होंने आज दिया है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, मजबूर नहीं मजबूत बनो। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय, गंगाराम नगर, गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर थाने के सामने, जयपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उपेन जी के नंबर हैं। ये देखिए, दिनांक 4/3/2019 की डेट में ये आज लिखा गया है। आप देख सकते हैं, सेवा में श्रीमान अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। महोदय जी, आपके सत्ता में आने के बाद राजस्थान के बेरोजगारों को राहत मिली है और आपने बेरोजगारों के हित में कई फैसले लिए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही में आपसे निवेदन करते हैं कि निम्नलिखित मांगों को आप प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द पूरी करने की कृपा करें, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। 5 मार्च को जो पहली जो इन्होंने रखा है, मतलब साथियों अपना पहली मांग है, वो ये है कि 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम को, जो कि होने वाली सुनवाई एडवोकेट जनरल को भेजकर मजबूती से पैरवी करवाने की कृपा करें। मतलब कि कल जो रीट के लेवल फर्स्ट की जो सुनवाई होने वाली है साथियों, उसमें इन्होंने एडवोकेट जनरल को भेजने की मांग रखी है और मजबूती से पैरवी करवाने की मांग की है। दूसरी मांग इन्होंने रखी है कि रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल टू का परिणाम को रिशफल प्लस वेटिंग जारी हो चुका है और अब जिला आवंटन एवं नियुक्ति कैलेंडर जारी होना बाकी है, अतः अतिशीघ्र कैलेंडर जारी करवाने की कृपा करें। ये देखिए साथियों, रीट से संबंधित 2 महत्वपूर्ण मांग हो चुकी है। तीसरी मांग है, रीट लेवल फर्स्ट में खाली रहे 8,000 पदों पर आचार संहिता से पहले द्वितीय वरीयता सूची जारी करवाने की कृपा करें। मतलब साथियों, रीट के जो अभी वेटिंग और रिशफल को लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया आदि को लेकर के उपेन जी यहाँ पर अभी भी आप सभी के साथ खड़े हुए हैं। ये देखिए, अपने ज्ञापन में सर्वप्रथम इन्होंने रीट को ही प्राथमिकता दी है। बात कर लेते हैं नीचे इन्होंने यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है एलडीसी भर्ती 2018, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के परिणाम का 6 महीने से 10 लाख से ज़्यादा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, अतः महोदय इन भर्तियों का परिणाम जल्दी जारी करवाएं और प्रतिवर्ष विभागों में रिक्त होने वाले पदों पर प्रतिवर्ष नई भर्ती निकाली जाए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर उपेन जी ने आप सभी प्रत्येक बेरोजगार की यहाँ पर मांग को बल प्रदान किया है। अब साथियों, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन भर्ती परीक्षाओं का परिणाम नहीं आया, ऐसे तो बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं हैं, लेकिन उपेन जी ने यहाँ पर एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 को यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से अपने ज्ञापन में स्थान दिया है। तो साथियों, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 और यहाँ पर सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 के रिजल्ट को जारी करवाने के लिए यहाँ पर ज्ञापन में भी इसे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है साथियों। तो साथियों, अब आपको यह ज्ञात हो चुका है कि अब आपकी भर्तियों जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के और एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 है, इन दोनों भर्तियों के रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है और 6 महीने से ज़्यादा भर्तियां हो चुकी हैं, तो इसकी बात अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पर भी पहुँच चुकी है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि
मतलब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि जल्दी इन लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करके नई भर्तियां विभिन्न विभागों में जल्दी निकाली जाएंगी साथियों। तो साथियों अब आप सभी तैयार हो जाइए, अब परिणाम के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ताएं चलना शुरू हो चुकी हैं। तो साथियों धन्यवाद, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के पास जो बेल आइकन है, घंटा बटन है, उसे ज़रूर दबा लें साथियों, जिससे कि जब भी हम कोई भी नई अपडेट का वीडियो अपलोड करें तो साथियों आपको उसका नोटिफिकेशन अपने आप ही अपने नोटिफिकेशन बार में, फ़ोन के नोटिफिकेशन बार में अपने आप ही शो हो जाए और आप तुरंत उस वीडियो उस अपडेट से मुखातिब हो सकें और आप बिना किसी देर के उस अपडेट को तुरंत पा सकें। तो साथियों धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, एक नई ऊर्जा, नई अपडेट और नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मित्रों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले नए नए वीडियोस और अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें। और साथियों हमारे यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें।